यू ठीक कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ फ्रेंड आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्किन को लाइटनिंग करने के लिए, प्लस हमारे स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने के लिए, डार्क सर्कल के लिए, और साथ ही ये पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। इसलिए विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स विटामिन सी आप कई तरीके से अपने फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। जैसे विटामिन सी की सीरम आती है उसे आप यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। विटामिन सी हम फ्रूट्स खाते हैं उससे हमारी स्किन काफ़ी अच्छा ग्लोइंग होती है। और फ्रेंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन सी का टोनर बनाना बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी तरीके से बिना किसी झंझट के आप घर में बहुत अच्छे तरीके से टोनर बना सकते हैं। तो फ्रेंड टोनर बनाने के लिए आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए तीन संतरे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि मैं टोनर को कैसे बनाती हूँ। मेरा ये टोनर बन चुका है, आप लोग देखें फ्रेंड्स। इस टोनर को आप डेली नाइट में यूज करिए, आप इसे मेकअप को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। बस इसमें आपको ऐड क्या करना रहेगा, ऑयल। अगर आप 3 चम्मच इस टोनर को लिए हैं तो आपको आधा चम्मच गोले का तेल या ऑलिव ऑयल ले लीजिए, इससे आपका मेकअप रिमूवर भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस टोनर को स्टोर करनी है तो आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं, और अगर गर्मियों का समय है तो आप इसका आइस क्यूब भी बना सकते हैं और अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।